नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं फलाहारी नमकीन। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने 3 आलू को छिल के ले लिया है, कच्ची आलू है, बॉईल नहीं करना है आपको इसको। हमने पानी में रखा नहीं तो ब्लैक पड़ जाता है। इसको मोटे वाले पे इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। हमको इतना ध्यान रखना, मोटा होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। इस पर हम चलिए इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए, हम इसको कद्दूकस कर लिया। इसे पानी से अच्छे से 3-4 बार अच्छे से वॉश कर देंगे। इसको हम वॉश कर लेते हैं और इसको हम रख देंगे। इसमें से पानी थोड़ा निकल जाएगा। तो देखिए, इसमें से पानी निकल गया। अब इसको हम कपड़े पर रख के इसको सुखा लेंगे। फिर इसके पानी को अच्छे से सुखा लेना है ताकि उसमें पानी ना रहे। इसको अच्छे से हम कॉटन में रख के इसको सुखा लेंगे, कॉटन के कपड़े में। ये देखिए, तो ये हो गया ड्राई। इसको चलिए हम निकाल लेते हैं प्लेट पर। अभी हमने रख दिया तेल, तेल हमारा गर्म हो गया। बस इसमें इसको हम तल लेंगे। बहुत ही जल्दी हमारी नमकीन बनके तैयार हो जाती है। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। आपको जैसे पसंद हो, आपको थोड़ा डार्क करना तो डार्क कर लीजिए, थोड़ा आपको कम करना है फ्राई, थोड़ा कम फ्राई करिए। बहुत ही कुरकुरी बनके तैयार होती है ये नमकीन। तो ये देखिए, हमारी अच्छे से ये तल गई है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इसको टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब इसी तरह का जो बचा हुआ है सारे आलू को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको पलट पलट के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भी हमारी हो गई अच्छे से गोल्डन ब्राउन। आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है गोल्डन ब्राउन, थोड़ा और कर लीजिए। अगर आपको कम ब्राउन पसंद है तो आप थोड़ा सा देखिए। लेकिन ये हो गया तैयार। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हमने थोड़ा कच्ची मूंगफली ली है, इसको भी हम तल लेंगे इस तरीके से। मूंगफली के दाने अगर आपको ज़्यादा रखना है तब थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम कर रहे हैं तो कम कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको पसंद है। तो ये भी हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। अब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बर्तन में। अब इसमें हम कुछ ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं पड़ेगा, फलाहारी है तो इसमें हम बस थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है। तो नवरात्रि चल रहा तो रात्रि में सेंधा नमक खाया जाता है। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो हमारे झटपट बन के तैयार हो गया है नमकीन।
और आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। इसको डब्बे में भर के आप रख दीजिए। ओके बाय।